ये खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर ऋचा प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी से लाइसेंसियों से शस्त्र जमा कराए जा रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास शस्त्र का लाइसेंस है वो 7 दिनों के अंदर नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा कर दे, नहीं तो फिर कार्रवाई। दुर्ग में तीसरे चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें 12 तारीख को हमारा नोटिफिकेशन का पब्लिकेशन होगा और 7 तारीख को चुनाव होगा, 7 मई को चुनाव होगा, 12 अप्रैल को नोटिफिकेशन का प्रकाशन होगा और 4 जून को सभी की एक साथ हमारी इसमें गणना होनी है। जिले में आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है, जो प्रथम 24 घंटे की कार्यवाही रहती है। जितने भी हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें बिना अनुमति के जितने भी होर्डिंग पोस्टर वगैरह लगे हैं वो लगातार निकालने की कार्यवाही चल रही है। इसके साथ ही हमारी जितनी टीम्स होती हैं सी विजिल के लिए, FST की टीम होती है, वो सभी सक्रिय कर दिए गए हैं। हमारा कंट्रोल रूम एक्टिवेट हो गया है, नोडल अधिकारी जो MCC को देखते हैं या ट्रेनिंग वगैरह को देखते हैं, वो सभी के सभी अपना काम इसमें कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि दुर्ग में सभी कैंडिडेट्स को प्रशासन एक लेवल प्लेइंग फील्ड अवेलेबल करवाएगा और फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हम कंडक्ट कर